Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफान जुलेखास किचन से। तो चलिए बनाते हैं आज बच्चों के लिए टिफिन की रेसिपी। आप इसे चाहे तो कह सकते हैं वेज कसारियाज, मायो कसारियाज, जो बोलना है बोलिए, आप उसे पराठा कहिए, जो भी कहिए, बट वो टेस्ट वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज। चलिए सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। एक कप आटा एक बर्तन में डालिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, 2-3 टेबलस्पून जितना तेल डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बहुत अच्छे से आटा लगा लीजिए, जैसे हम नॉर्मल आटा लगाते हैं ना रोटी के लिए, एकदम भी हार्ड नहीं, एकदम भी सॉफ्ट नहीं, नॉर्मल जो सॉफ्ट आटा गूंथते हैं वैसा। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथ लीजिए, अच्छे से मसलिएगा कि सॉफ्ट हो ना आटा। जब अच्छा आटा गून लें, यानी कि सॉफ्ट आटा लगा लें, तो थोड़ा सा तेल लगा दीजिए आटे के ऊपर इस तरीके से, और इसे ढक कर साइड पर 10-15 मिनट के लिए रहने दीजिए। आप तब तक सब्जियां काट लीजिएगा। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए फ्राई पैन का, उसमें 1.5 टेबलस्पून ऑयल यानी कि तेल और 1 टेबलस्पून बटर यानी कि मक्खन डालकर इसे मेल्ट हो जाने दीजिए। जब मेल्ट हो जाए तो आधा छोटे चाय का चम्मच कूटा हुआ लहसुन डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए और आधा मिनट फ्राई कीजिए। मैंने चूल्हा स्लो पर रखा है क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है तो जलने का डर होता है। आप चाहे तो मीडियम आंच पर भी रख सकते हैं। ये सब्जियां हैं, एक छोटी छूंदा प्याज यानी कि बारीक कटी हुई है, जो गाजर है वो बड़ा था तो मैंने आधा लिया है बारीक काट कर, और शिमला मिर्च भी बड़ी है तो मैंने उसे बारीक काट कर आधी ही ली है। अब इस पे बार बार चलाते हुए 3 मिनट तक मीडियम आंच पर या फिर स्लो आंच पर पका लीजिए। जब 3 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद, और अब डाल दीजिए 3 टेबलस्पून मायोनीज और 3 टेबलस्पून टमाटर सॉस। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर इसे साइड पर थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, नहीं तो अभी के अभी हम रोटियां या कसारियाज में डालेंगे ना तो बहुत थोड़ी सी हमारी रोटियां फटने का डर है। चलिए अब आते हैं आटे पे। आटा एक बार फिर से मसल लीजिए और इसे इक्वल पोर्शन के अंदर पेड़े बना लीजिए। अब तकरीबन समझिए ना 4-5 पेड़े बनेंगे। अब आप चाहें तो 4 ही बनाएं इसके। पहले मैं 2 बना लेती हूँ, और 2 हम एक कसारियाज कहिए या एक पराठे के अंदर हम 2 रोटियां लेंगे, तो इसी तरीके से अगर आप 4 रोटियां बना रहे हो मतलब 2 पराठे या 2 कसारियाज बनेंगे इस क्वांटिटी, इस मेजरमेंट के अंदर। एक आटे का पेड़ा लीजिए, सूखा आटा लगाइए और रोटी बेल लीजिए उस पेड़े से। मीडियम साइज की रोटी बेलनी है आपने, ना ही पतली ना ही मोटी, और उसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सूखा आटा लगाकर दूसरा पेड़ा लेकर उसकी भी इसी तरीके से रोटी बना लीजिए। अब चेक कर लीजिएगा कि दोनों की साइज है ना अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होनी चाहिए, तो एक बार आप लगा कर चेक कर लीजिएगा। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छा ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पर वो जो रोटी है इस पर इस तरीके से फैला दीजिए। एजेस पर मत डालिएगा क्योंकि है ना जब हम एजेस पर ज्यादा डालते हैं ना तो वो बाहर ऊज आउट होती है, तो मजा नहीं आएगा, पूरा बाहर निकल जाएगा और हमें अंदर नहीं मिलेगा बराबर। तो बीच में ज्यादा डालिए और साइड पर एजेस आप देख सकते हैं मैंने किनारे काफी छोड़ रखे हैं। अब इसके ऊपर ये वाली रोटी रखिए इस तरीके से, बस हल्का सा प्रेस कर दीजिए हाथों की मदद से, दैट्स इट। अब गरम तवा हो उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये हमारी रोटी डाल दीजिए, कसारियाज करिए वो डाल दीजिए, और चूल्हा मीडियम कर लीजिए। आधे एक मिनट तक पीछे का साइड पकने दें, उसके बाद पलट दीजिएगा और थोड़ा सा मक्खन लगा दीजिए, या फिर आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं, और थोड़ा मक्खन या फिर तेल लगा लगा कर उलट पलट करते जाएं और रोटी को दोनों ओर से अच्छे से सेक लीजिए। अब मैं कभी ना थोड़ा मीडियम पर रख रही हूँ, थोड़ा स्लो पर रख रही हूँ, क्योंकि क्या है ना अंदर से वो जो बीच का साइड है वहाँ पर भी पकना चाहिए ना, जो फ्रंट साइड तो पक जाएगा ये आप देख सकते हैं, लेकिन जो अंदर का साइड है वो भी हमारा पकना चाहिए। तो मैं स्लो मीडियम करते हुए इसे पूरी तरीके से थोड़ा थोड़ा बटर लगाते हुए पका लेती हूँ, यानी कि सेक लीजिए कि पूरी तरीके से सिक जाए। चलिए दोनों ओर से सिक चुकी है, लाइट गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं आप देख सकते हैं, और अच्छी क्रिस्पी भी हुई है। तो मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद और इसके पीसेस कर लेती हूँ निकाल कर, और ये देख लीजिए अंदर से कैसी दिख रही है, माशाल्लाह। और ये जो मायोनीज जो यूज आउट हो रहा है, अरे रे 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 माशाल्लाह, मजा आ जाएगा। और बहुत ही गर्म है, मैं पकड़ भी नहीं पा रही हूँ।
ये बन गए हमारे वेज मायो कसाडियास कहिए या फिर वेज मायो पराठा, ये जो भी कहना है कहिए, लेकिन बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, बच्चों को बहुत मजा आएगी। तो टिफिन में जरूर बनाइएगा बच्चों के लिए, और इसे टिफिन में डाल देती हूँ मैं, और इसके साथ साथ साइड पर कोई एक फ्रूट डाल दीजिए, मैं एप्पल डाल रही हूँ, और ये रेडी हो गया सर्व करने के लिए हमारा टिफिन। मैंने कुछ बच्चों की टिफिन रेसिपीज बनाकर मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, आप वो भी बनाइएगा, डिफरेंट स्टाइल्स की है। और आपको चाहिए टिफिन रेसिपीज बच्चों के लिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बनाकर अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए। तो है ना मजेदार आज की रेसिपी, अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्द से जल्द ये वाले वीडियो को लाइक कीजिए, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।